गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 10। ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमने डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स सॉल्व किए थे। उसके पहले हमने कन्वर्ट करने के सम्स सॉल्व किए थे कि ग्राम को किलोग्राम में, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, रुपीस को पैसे में, पैसे को रुपीस में। ओके, फिर हमने प्रीवियस पीरियड में मैथ्स का टॉपिक भी किया था जिसमें हमें रुपीस को पैसे में एक साइड सेक्शन ए में दिया है रुपीस में और सेक्शन बी में दिया है पैसे में, तो कि हमने सॉल्व किया था, बाद में हमने उसको ज्वाइंट किया था। ओके, तो अब हम ये लेसन का सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो मैं पहले वर्ड प्रॉब्लम लिखूंगी, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। योगेश परचेसेस अ पेन ऑफ रुपीज 75। ओके, अब टू पेंसिल्स, पहले उसने पेन ली, फिर उसने पेंसिल्स परचेस की। टू पेंसिल्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच एंड टू इरेजर्स of rupees 0.75 each from a shop. अब हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। योगेश परचेस अ पेन ऑफ रुपीज 7.50 रुपीज की उसने एक पेन परचेस की। टू पेंसिल्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच, मतलब एक पेंसिल की प्राइस है रुपीज 2.50, वैसे उसने दो पेंसिल्स परचेस की। एंड टू इरेजर्स ऑफ रुपीज 0.75 ईच, मतलब एक इरेजर के 75 पैसे, मतलब 0.75 रुपीज, मतलब क्या हुआ 75 पैसे, वैसे एक इरेजर के, वैसे उसने दो इरेजर परचेस किए फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी डज वी हैव टू पे टू द शॉपकीपर, तो अब हम जैसे दुकान में से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, दो आइटम लेते हैं, पांच आइटम, कितने भी आइटम लेते हैं, तो दुकान वाला बिल कैसे बनाता है? पहले सारी आइटम्स लिखता है, सामने उसकी प्राइस लिखता है, फिर उसका टोटल करता है। तो हम भी यहाँ पर सभी आइटम्स के नेम लिखेंगे, उसके सामने उसकी प्राइस लिखेंगे। तो अ पेन, मतलब एक ही पेन खरीदी थी जिसकी प्राइस है रुपीज 7.50। ओके, अब उसने टू पेंसिल्स परचेस की थी, तो एक पेंसिल की प्राइस है रुपीज 2.50, तो हम उसको दो बार प्लस करेंगे क्योंकि दो पेंसिल परचेस की, इसलिए उसको दो बार प्लस करेंगे। फिर उसने टू इरेजर्स लिए, तो एक इरेजर की प्राइस है रुपीज 0.75,
तो उसको भी हम दो बार प्लस करेंगे, दो इरेजर लिए, तीन इरेजर लिए तो तीन बार हम उसको प्लस करते हैं। ओके, अब हमें तीनों तीन आइटम के प्राइस पता चल गए कि पेन की प्राइस है ₹7.50, टू पेंसिल्स की प्राइस है ₹5 और टू इरेजर की प्राइस है ₹1.50। अब हम बिल बनाएंगे पेन पेंसिल्स एंड इरेजर। पेन का भाव है ₹7.50, फिर यहाँ पर ₹5 और यहाँ पर ₹14। ओके, तो हमारा आंसर आया ₹14। ये सारी चीज़ें उसने परचेस की तो उसको शॉपकीपर को ₹14 पे करने पड़ेंगे। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। योगेश परचेज पेन ऑफ ₹7.50, टू पेंसिल्स ऑफ ₹2.50 ईच एंड टू इरेजर्स ऑफ ₹0.75 ईच फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे टू द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर को कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो अ पेन, अ मतलब एक, एक पेन उसने परचेस की जिसकी प्राइस थी ₹7.50। फिर टू पेंसिल्स की टोटल प्राइस हुई ₹5 और टू इरेजर की प्राइस हुई ₹1.50। अब ये तीन आइटम उसने लिखी टोटल, तो हमने तीनों तीन आइटम का नाम लिखा, सामने उसकी प्राइस लिखी, तो हमें टोटल मिल गया कि टोटल ₹14 उसको शॉपकीपर को पे करने पड़ेंगे। ओके, अब हम सेकंड नंबर का और प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम है हमारा। सुनीता पेज ₹9.25 फॉर वेफर्स। ओके, उसने जो वेफर परचेस की उसके लिए उसने ₹9.25 पे किए एंड ₹5.75 फॉर चॉकलेट। चॉकलेट के लिए उसने ₹5.75 पे किए एंड गेट्स ₹5 बैक फ्रॉम द शॉपकीपर और ₹5 उसने दुकान वाले से वापस लिए। तो हाउ मच मनी डिड शी पे टू द शॉपकीपर। तो उसने दुकान वाले को कितने रुपीस पे किए होंगे कि उसने जो चीज़ें परचेस की है उसके अलावा, वो कट करने के अलावा ₹5 उसको वापस मिले। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि उसने जो दो वेफर और चॉकलेट दो आइटम्स परचेस की थी उसके टोटल कितने रुपीस हुए। ओके, तो
9.25 for wafers and rupees 5.75 for chocolate. ओके, तो उसने 15 रुपीस की चीज खरीदी और दुकान वाले ने उसको 5 रुपये वापस दिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसे 20 रुपये दिए होंगे, तो दुकान वाले 15 रुपीस कट करके 5 रुपीस उसको वापस दिए. तो अब हमें ये लिखना है कि रुपीस 5 शी गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. तो रुपीज 15 प्लस रुपीज 5 तो आंसर आएगा रुपीज 20. ओके, उसने शॉपकीपर को टोटल 20 रुपीज पे किए होंगे, तो दुकान वाले ने 15 रुपीज जो उसने चीज खरीदी उसके कट कर दिए और जो 5 रुपीस बचते हैं वो उसको वापस दे दिए. नाउ थर्ड नंबर, सुमन टेक्स 15.5 सेकंड्स टू कवर अ डिस्टेंस इन अ रनिंग कॉम्पिटिशन. रनिंग कॉम्पिटिशन में सुमन जो भी डिस्टेंस डिसाइड हुआ होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको रनिंग करके जाना है, तो वो डिस्टेंस वो 15.5 सेकंड में कवर करती थी. हैनी 16.2 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करती थी एंड स्नेहल टेक्स 15.8 सेकंड. तो देखो अभी हम सबका टाइमिंग लिख देंगे. ओके, तो सबसे पहले है सुमन, फिर है हैनी और फिर है स्नेहल. ओके, ये तीन कॉम्पिटिटर है जिन्होंने रनिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है. अब हम यहाँ पर सबके स्कोर या टाइम लिख देते हैं. ओके, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस यहां पर हम नेम लिखेंगे, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट एंड टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस.
ओके, अब सुमन है। सुमन ने कितना टाइम लिया? 15.5 सेकंड। हैनी ने 16.2 सेकंड एंड स्नेहल ने 15.8 सेकंड। अब जिसने कम समय लिया वो विनर होगा। ओके, जिसने ज्यादा टाइम लिया मतलब उसको ज्यादा देर लगी उतना डिस्टेंस कवर करने में, तो जो सबसे कम जिसका सेकंड लगी, जिसने सबसे कम टाइम लिया, वो दैट इज विनर। तो इसमें सबसे कम टाइम किसने लिया है? सुमन ने। सुमन ने लिए है 15.5 सेकंड, हैनी ने लिए 16.2 सेकंड एंड स्नेहल ने लिए है 15.8 सेकंड। तो सबसे कम टाइम लिया है स्नेहल, सॉरी सुमन ने, तो सुमन इज द विनर आंसर में हम लिखेंगे। बहुत इजी है ये। सुमन इज द विनर, ओके, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस डिसाइड हुआ था वो कवर करने में सबसे कम टाइम लिया था, इसलिए सुमन इज द विनर। नाउ फोर्थ नंबर, नंबर फोर, हाइट ऑफ उमंग इन स्टैंडर्ड फिफ्थ इज 1.4 मीटर। ओके, उमंग की हाइट जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है तब उसकी हाइट है 1.4 मीटर। इट इज 0.15 मीटर मोर देन हिज हाइट इन स्टैंडर्ड फोर्थ। वो स्टैंडर्ड फोर्थ में था और जब वो स्टैंडर्ड फिफ्थ में आया ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी हाइट 0.15 बढ़ गई। ओके, तो वॉट वॉज हिज हाइट इन स्टैंडर्ड फोर, तो ये जो बढ़ी हुई हाइट है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमें स्टैंडर्ड फोर्थ में उसकी जो हाइट थी वो मिल जाएगी। ओके, तो 1.4 मीटर हाइट इन स्टैंडर्ड फिफ्थ, स्टैंडर्ड फिफ्थ में उसकी हाइट थी इतनी, उसमें से जो बड़ी हाइट उसकी 0.15 या 0 लगा मीटर मोर देन हिज हाइट इन स्टैंडर्ड फोर्थ। ओके, स्टैंडर्ड फिफ्थ में उसकी बढ़कर हाइट इतनी हो गई 1.40 मीटर कि जिसमें से 0.15 निकाल दे तो बाकी जो हाइट बची उतनी हाइट उसकी थी स्टैंडर्ड फोर्थ में। ओके, और तो आप माइनस करेंगे यहाँ पर 10 3 5 2.1। ओके,
अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे कि जब वो फोर्थ स्टैंडर्ड में होगा तब उसकी हाइट होगी 1.25 मीटर, क्योंकि फोर्थ से जब वो फिफ्थ में आया तो उसकी हाइट 0.15 मीटर बढ़ गई। ओके, और वो बढ़ गई तो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, 1.4 मीटर हो गई। तो हमें तो प्रीवियस स्टैंडर्ड की हाइट पूछी है, तो प्रीवियस स्टैंडर्ड की हाइट फाइंड करने के लिए उसकी अभी जो फिफ्थ में हाइट है उसमें से हमें जो हाइट उसकी बढ़ी उसको माइनस करेंगे तो जो हाइट मिलेगी वो हाइट होगी उसकी फोर्थ स्टैंडर्ड में। आंसर करके लिखेंगे मीटर हाइट वॉज इन स्टैंडर्ड फोर्थ, स्टैंडर्ड फोर्थ में उसकी 1.25 मीटर हाइट होगी। ओके, अब नंबर फाइव, फिफ्थ नंबर, उर्मी's हाइट इज 2 times द हाइट ऑफ नमो। ओके, नमो की जो हाइट थी उससे उर्मी की हाइट डबल है, तो उर्मी की हाइट कितनी है कि जहाँ नमो की हाइट हमको दी है 0.90 मीटर। ओके, तो हम लिखेंगे नमो's हाइट इज इक्वल टू 0.90 मीटर। But what we have to find? We have to find the height of Urmi. तो अब लिखेंगे Urmi's height is 2 times फिर से पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। उर्मी's हाइट इज 2 times द हाइट ऑफ नमो। उर्मी की जो हाइट है वो नमो की जो हाइट है उससे डबल है। 2 times मतलब डबल। इफ नमो's हाइट इज 0.90 मीटर, अगर नमो की हाइट 0.90 मीटर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ उर्मी, तो उर्मी की हाइट कितनी है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नमो's हाइट 0.90 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि उर्मी's हाइट इज 2 times द हाइट ऑफ नमो। नमो, और तो अब हम उर्मी की हाइट फाइंड करेंगे कि नमो की हाइट का हम डबल कर देंगे, उसको 2 times प्लस कर देंगे।
आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे। 1.80 मीटर इज द हाइट ऑफ उर्मी। ओके, डबल नमू की हाइट जितनी थी उर्मी की हाइट उससे डबल है। ठीक है, तो आज हमने इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए कि टोटल हमने 5 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके, जिसमें हमें पहले तो एक प्रैक्टिकल चीज़ बताई गई थी जो एवरीडे लाइफ में भी यूज़ होती है, जो आप हर रोज आपके ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंटल होता है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने आपको कोई चीज़ परचेस करने के लिए कहा और 2-3 आइटम है या उससे ज़्यादा भी आइटम है या एक आइटम है, वॉट एवर कितने भी आइटम्स हैं, फिर आपकी मम्मी आपको पैसे देती है कि लो ये 100 रुपीज़ और उसमें से इतनी चीज़ें खरीद के लाओ, तो आप दुकान में जाते हो, फिर आपको जो भी चीज़ें लेनी होती हैं तो शॉपकीपर क्या करता है कि आपने जितनी चीज़ें ली हैं उसका एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाता है कि थिंग्स का नाम और सामने उसकी प्राइस। फिर अगर कोई चीज़ 2 ली है और एक चीज़ का भाव 5 रुपया है तो 2 चीज़ का भाव क्या हो गया, 10 रुपीज़। 3 बार ली तो 15 रुपीज़। तो इस तरह के हिसाब, अभी आपको छोटे छोटे हिसाब भी अच्छे से आने चाहिए। फिर शॉपकीपर पूरा वो लिस्ट बनाता है और टोटल अमाउंट की जो हमें उसको पे करनी होती है कि उतने रुपीज़ की थिंग्स हमने वो शॉप से परचेस की, फिर हम उसको जो फाइनली पैसे देते हैं उसमें से हमने जितने रुपीज़ की चीज़ें ली उतने रुपीज़ को कट करके हमें वापस देते हैं। ओके, तो ये रोज़ रोज़ हिसाब की बातें हैं जो आप हर रोज़ प्रैक्टिकली भी ये करते हो। ठीक है, तो आज हमने 1 से 5 तक वर्ड प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट पीरियड में हम 6 वर्ड प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।